अस्सलाम वालेकुम होप यू आर डूइंग वेल आज हम इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ेंगे इट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इंटरप्रेटर ये भी एक ट्रांसलेटर है ठीक है इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इट्स इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ठीक है ये एक स्टेटमेंट एक बार लेता है हाई लेवल प्रोग्राम में उसको ट्रांसलेट करता है मशीन इंस्ट्रक्शन में और उसी टाइम उसको एग्जीक्यूट भी कर लेता है ठीक है ना बात आपको समझ में आ गई जबकि कंपाइलर वो पहले ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल ही एग्जीक्यूट हो जाती है ठीक है ना सो so, डिफरेंस तो आपको समझ में अब आई ही होगी कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ठीक है द इनपुट टू एन इंटरप्रेटर इज़ अ सोर्स प्रोग्राम बट अनलाइक अ कंपाइलर इट्स आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इंस्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ठीक है सारा प्रोग्राम कंपाइलर एक बार में उसको कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है सो so, लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है एक इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट हो जाती है और उसका उस टाइम वो एग्जीक्यूट भी हो जाती है ठीक है ना तो एडवांटेज क्या है इंटरप्रेटर में कंपाइलर से जो ही हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो इंटरप्रेटर उसको उसी टाइम इंटरप्रेट कर लेता है और अगर एरर होगा कहीं पर उसी टाइम बता देता है कि इसमें एरर है तो हम करेक्ट कर लेते हैं यानी प्रोग्राम उस उसी टाइम करेक्ट कर लेते हैं ठीक है ना देआर फोर इंटरप्रेटर्स मेक इट ईजियर एंड फास्टर टू करेक्ट प्रोग्राम्स ठीक है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर्स क्या है इसकी मेन डिसएडवानटेज इट इज़ स्लोअर दैन कंपाइलर्स क्यों क्योंकि फिनिश प्रोग्राम्स program, जब प्रोग्राम फिनिश अप हो गए तो उसके बाद इंटरप्रेटर फिर से एक एक इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करके उसको एग्जीक्यूट कर लेता है जबकि कंपाइलर में ऐसा नहीं है जो ही प्रोग्राम फिनिश हो गया उसके बाद कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देता है फिर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ही आगे एग्जीक्यूट हो जाता है ठीक है ना बात आपको समझ में आ गई सो so, कंबाइन कम्बाइन द एडवाटेज ऑफ बोथ इंटरप्रेटर्स एंड कम्पाइलर्स अगर हम इनके एडवाटेज को कम्बाइन करें तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं पहले वो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि इसको डिबिंग स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट हो जाए और बग फ्री जब प्रोग्राम हो जाता है उसके बाद कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड ऑबटेन कर लेते हैं फिर उसी को एग्जीक्यूट uh, कर लेते हैं ठीक है ना एंड यूज द ऑब्जेक्ट कोड फॉर रूटीन प्रोसेसिंग subsequently ठीक है ना? आपको बात समझ में आ गई सो असेंबलर्स कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर रेफर्ड टू एज लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्यों क्योंकि वो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर लेते हैं ठीक है ना आपको बात समझ में आ गई मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा आप इस लेक्चर को बार बार देखिए ताकि आपको समझ आ जाए शुक्रिया थैंक यू